नमस्कार दोस्तों, भारत का एक ऐसा ब्रांड जिसने कि वास्तव में भारत के लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया है, और कभी भी समानता के उदाहरण की बात की जाए तो सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। इस ब्रांड ने न केवल भारत के अमीर और गरीब लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है, बल्कि हर आयु वर्ग के लोगों को एक स्वाद के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। उस ब्रांड का नाम है पार्ले जी। ऐसे में आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं पार्ले जी के इतिहास के बारे में। पार्ले प्रोडक्ट्स की स्थापना भारत में साल 1929 में मुंबई के बिले पार्ले में एक चौहान परिवार द्वारा की गई थी। इसके संस्थापक मोहनलाल चौहान थे, जो कि गुजरात के रहने वाले थे। ऐसे में उन्होंने अपने जीप को उपार्जन के लिए गुजरात से मुंबई की तरफ रुख किया। ऐसे में मुंबई आने के बाद उन्होंने पहले तो सिलाई का काम किया, लेकिन उसमें कुछ खास सफलता नहीं मिलने के बाद उन्होंने स्नैक्स बेच करके खाद्य व्यवसाय में चले आए। वह ब्रेड, बॉन्स, रस्क, स्कोन, नान खटाई, टर्नओवर आदि बनाने वाली बेकरी चलाते थे। ऐसे में मोहनलाल चौहान के 5 बेटे थे, जिसमें पहले थे मानिकलाल, दूसरे थे पीताम्बर, तीसरे थे नरोत्तम, चौथे कांतिलाल और पांचवे जयंतीलाल। ये सब मिलकर के पिता के साथ काम करते थे। साल 1939 में जब पार्ले जी की शुरुआत हुई, तो ऐसे में सबसे पहले पार्ले जी को लाइसेंस मिला ब्रिटिश सैनिकों के लिए बिस्कुट बनाने का। लेकिन जब भारत साल 1947 में आजाद हो गया, तो ऐसे में भारत में पार्ले जी ब्रांड के बिस्कुटों को सामने रखा, जिसे कि ग्लूकोज बिस्कुट के रूप में भारत में प्रदर्शित। इसके लिए पार्ले जी ने एक विज्ञापन भी चलाया, जो विज्ञापन भारत के लोगों के बीच इसकी खास छवि को गढ़ने में सफल रहा। ऐसे में पार्ले जी के द्वारा समय समय पर चलाए गए प्रचार अभियान ने पार्ले जी की सफलता की एक नई मिसाल गढ़ी। ऐसे में फिर आता है साल 1977 का दौर, जब भारत में मुरारजी देसाई की सरकार आती है, जिसमें कि कोका कोला को निष्कासित कर दिया। ऐसे में तब पार्ले जी को कोका कोला के क्षेत्र में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी। ऐसे में हमने कोका कोला के ऊपर भी एक विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। ऐसे में जब कोका कोला को भारत से निष्कासित कर दिया गया, तो ऐसे में ड्रिंक बनाने के क्षेत्र में भी पार्ले जी ने अपना हाथ आजमा, सफल भी हुए। पार्ले जी के सामने कोई प्रतिस्पर्धी नहीं था, तो ऐसे में उनका ड्रिंक वाला जो व्यवसाय था, वह तेजी से ऊपर गया। इसी दौर के ब्रांड थम्सअप और फ्रूट गोल्ड स्पॉट जैसे ठंडे पे बेच करके काफी पैसा कमाया। ठंडे पे पदार्थों के ये ब्रांड आज भी मार्केट में है और काफी तेजी से फल फूल रहे। ऐसे में जो पार्ले पहले एक हुआ करती थी और 5 भाई मिलकर के चलाते थे, उस पार्ले में विभाजन हो गया, जिसमें कि अधिकांश भाग पार्ले प्रोडक्ट्स के पास था। ऐसे में बात सिर्फ इतनी थी कि मोहनलाल चौहान के 5वें पुत्र जयंतीलाल का जीवन उनके चारों भाइयों से अलग था। ऐसे में उन्होंने कंपनी से अलग होने का निर्णय ले लिया। ऐसे में पार्ले प्रोडक्ट्स ब्रांड को चारों भाई मिलकर के चलाते थे, और दूसरा भाग जो पेय पदार्थ वाला था, वह जयंतीलाल के हिस्से में आया। ऐसे में जयंतीलाल के 2 बेटे थे, उनके बीच जब बंटवारा हुआ, तब जो पेय पदार्थों वाला हिस्सा था, वह 2 भागों में बट गया, एक पार्ले एग्रो और एक पार्ले बिस्लेरी। ऐसे में तब जाकर के पार्ले जी के 3 भाग, एक पार्ले प्रोडक्ट्स का जो कि बिस्कुट वगैरह बेचता था, और इसके बाद पार्ले एग्रो जो कि मुख्य रूप से ठंडे पेय पदार्थ बेचता था, पार्ले बिस्लेरी जो कि मुख्य रूप से पानी बेचने का काम